गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज की इस वीडियो बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में जो पहला T20 आई खेला गया ना, और उसमें हार के साथ हुई है शुरुआत। तो थोड़ा सा इंडिया हारता ना तो यहाँ दुख पहुंचता। तो चलिए पूरी वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप ये हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम जब वीडियो बनाएं तब सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, क्योंकि आप सबका प्यार मुझे बहुत जरूरत है यार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्सेस इंडिया का जो T20 हार के साथ हम सब शुरुआत कर चुके हैं। थोड़ा सा तकलीफ नहीं, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है जब भी इंडिया हारता है। तो सबसे पहले हमारे पक्ष में टॉस गई, टॉस जीत के हम सब ने क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया, जो कि अच्छा निर्णय, क्योंकि रांची में हमेशा देखिएगा कि चेज आसानी के साथ हो जाते हैं। तो चेज होना चाहिए था, मगर एक चीज अच्छा की न्यूजीलैंड ने कि उन्होंने प्रॉपर 6 गेंदबाज अपने खिलाए। मगर इंडिया ने क्या कर दिया भाई साहब, जहां पे स्पिन होती है वहां पे स्पिन को बैठा के फास्टर का इस्तेमाल भी किया, मगर एक ओवर मैं बात कर रहा हूँ उमरान मलिक का, ये कौन सी गलती? एक ओवर में 16 रन दिए, उसके बाद आपने उसको गेंदबाजी में नहीं लाया, जबकि कप्तान ने भी अच्छी गेंदबाजी नहीं की है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में मुझे अभी तक कुछ भी समझ नहीं आती है, ये कब कौन सा काम कर बैठते हैं। अच्छा करते हैं तो ठीक है, मगर जब गलत करते हैं तो पूरी तरीके से गलत करते हैं। और एक चीज के एटीट्यूड इस तरीके का है, ये जब भी मैच हारते हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसका देख लीजिए जाके, ये हमेशा बोलते हैं आई डोंट केयर क्या हुआ है, मगर मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा। भाई साहब आप कब करोगे? आपके पास जो गेंदबाज हैं जो वनडे में अच्छा करके आया पिछला सीरीज में, उन्होंने एक ओवर 16 रन खर्च किए अधिक हैं, मगर आप उसके बैक नहीं किए, ये थोड़ा सा मसला है। तो इसको इंडिया टीम को सोचना चाहिए कि आप जिस कप्तान आप सामने आए हैं, कप्तान पूरी इंडियन टीम की कप्तानी कर रहे हो, 135 करोड़ जनसंख्या के आप कप्तान हो। इंडियन टीम के जब कप्तानी कोई करता है ना भाई साहब, उनका सीना चौड़ा होता है। हम सबको गर्व से कहते हैं कि वो हमारे कप्तान है, मगर इस तरीके की कप्तानी कल कप्तानी बिल्कुल गलत हुई भाई साहब। मुझे समझ से ये परे था कि आपने शुभमन गिल को, ठीक है शुभमन गिल वनडे में ठीक है, मगर शुभमन गिल के जगह में जब आप युवा टीम को भेजे हैं जहाँ पे रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल नहीं है, तो वहां पे क्या पृथ्वी शॉ को मौका मिलना चाहिए था? मुझे ऐसा प्रतीत थोड़ा मिलना चाहिए था, क्योंकि शुभमन गिल पिछले 10 से 12 T20 देख लीजिए उठा के अभी तक अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया है, मगर पृथ्वी शॉ को मौका मिलना चाहिए था, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब बात करेंगे कि न्यूजीलैंड ने सबसे अच्छा काम 6 बॉलर खिलाए, प्रॉपर बॉलर, और सबसे जो बेहतरीन काम किया ना भाई साहब मिचेल सैंटनर ने, 4 ओवर डाले, बहुत ही कम रन दिए, उसके बाद जो बल्लेबाजी का ऑप्शन था उसके पास ना वो बहुत सारे थे, मगर जो सबसे अच्छा काम किया डेरी मिचेल, 30 गेंदों में 59 रन बनाए, ये एक अच्छा न्यूजीलैंड के लिए खबर है कि जब ये बल्लेबाज जब भी आता है ना कुछ अलग करता है। जब मैच फंसा हुआ रहेगा तो आसानी के साथ बल्लेबाजी करेगा, 10 गेंदों पे 10 रन बनाएगा, 20 गेंदों पे 20, मगर जब जरूरत होगी तो 30 गेंदों में 59 बना दिया भाई साहब, 30 गेंदों में 59, यानी कि 200 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कोई करता है तो उनका मनोबल थोड़ा सा ऊपर जाता है। और गेंदबाजी काबिले तारीफ की है सारे गेंदबाजों ने, इंडिया से मिसकैलकुलेशन हो गई है। और सबसे जो बड़ा फटकार इंडिया को लगा है ना, वो आखिरी के ओवर जब भी डालने आया है वो गेंदबाज, मैं बात कर रहा हूँ अर्शदीप का, ये 19 का आंकड़ा इनके साथ हमेशा रहता है। अभी तक 6 डेथ ओवर डाले हैं इन्होंने, तो 6 में 4 बार 19 का आंकड़ा इन्होंने पार किया है। तो ये चीज़ है कि इस गेंदबाज के पास कॉन्फिडेंस और लाने की जरूरत है मेरे हिसाब से, मगर उमरान मलिक का एक ओवर से अधिक बनता था ये मुझे अभी भी लग रहा है, मगर गलती हो गई भाई साहब। नेक्स्ट मैच में क्या करना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आप सब जरूर बताएं कमेंट करके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा बदलाव तो होना चाहिए। शुभमन गिल एज ए ODI प्लेयर जबरदस्त है, नो डाउट एक परफेक्ट बैट्समैन है, क्लासिकल बैट्समैन है, मगर आज के डेट में T20I के लिए थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को आगे करना होगा। जब तक सूर्य कुमार यादव थे तब तक ऐसा लग रहा था मैच जीतेंगे, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने काम किया, मगर उसके बाद जो लास्ट में काम किया ना, वाशिंगटन सुंदर थोड़ा सा समासा बांध दिया था, अच्छा कर रहे थे बल्लेबाजी, 50 का आंकड़ा भी उन्होंने छुआ है, तो थोड़ा सा गलती हो गई है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आने वाले वीडियोस में आपको जरूर बताएंगे कि कौन सा मिसकैलकुलेशन हुआ, आप सब जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।